पितृपक्ष में इन पांच चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। क्या आप जानते हैं पितृपक्ष में कौन से वो पांच चीज़ हैं जिस चीज़ों का दान करने से हमसे हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं? आइए आप लोग भी ध्यान से सुनेगा। पितृपक्ष में कहते हैं वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कैसे वस्त्रों का दान करना चाहिए? ब्राह्मणों को पितृपक्ष में धोती कुर्ता आदि वस्त्र जरूर दान करिएगा। ऐसा करने से हमसे हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। वस्त्र दान को बहुत सुंदर दान के रूप में कहा गया। दूसरे नंबर में पितृपक्ष में काले तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया। ऐसा करने से क्या होगा? अगर आप पितृपक्ष में काले तिल का दान करते हैं तो ग्रह नक्षत्र की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है, तो जरूर काले तिल का दान करें। तीसरे नंबर में गुड़ का दान, जो गुड़ होता है, अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो आपके घर में जो छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती, झगड़े होते हैं, गृह क्लेश होती है, अगर आप पितृपक्ष में गुड़ का दान करते हैं तो गृह क्लेश से आपको मुक्ति मिलेगा। चौथे नंबर में जल का दान करना। पितृपक्ष में अगर आप जल का दान करते हैं, श्राद्ध पक्ष में आप पानी का दान करते हैं, जल का दान करते हैं, तो आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। उस समय अगर हम पानी का दान करते हैं तो हमसे हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। उस जल के कारण से वो जल साक्षात हमारे पितृ देवता को प्राप्त हो जाता है। और कहा गया है कि अगर हम पितृ पक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के नाम से जल अर्पित करते हैं तो हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए पानी का दान, जल का दान अवश्य पितृपक्ष में करें। और पांचवें नंबर में कहा कि भोजन का दान। अगर हम पितृपक्ष में हमारे पितरों के नाम से भोजन का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, तो ऐसा करने से हमसे हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और हमें खूब आशीर्वाद देते हैं। देखिए, जिस घर के व्यक्ति से उनके पितृ प्रसन्न हो जाए, पितर प्रसन्न हो जाए, उस घर में बरकत आती है, उस घर में सुख शांति समृद्धि आती है, उस घर में लक्ष्मी आती है। तो पितृ पक्ष में आप सब लोग ये पांच चीज़ों का दान अवश्य कर लीजिएगा।